नमस्कार किसान साथियों, आपके अपने YouTube चैनल रोचक एग्रीकल्चर पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैल्शियम नाइट्रेट खाद क्या है और इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है। तो बात करते हैं कैल्शियम नाइट्रेट खाद की। तो कैल्शियम नाइट्रेट खाद, हम इसका मुख्य उपयोग यहाँ पे बताने जा रहे हैं गन्ने के लिए। आप लोगों को गन्ने में कैल्शियम नाइट्रेट खाद का प्रयोग करना है, उससे आप लोगों को क्या लाभ मिलने वाला है उसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी देंगे वीडियो में। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने आस पड़ोस के किसान भाइयों को शेयर करिए। किसान भाइयों, तो आज हम बात करेंगे गन्ने के लिए कैल्शियम नाइट्रेट के फायदे के बारे में। जैसा कि नाम से पता चलता है, इसके अंदर कैल्शियम और नाइट्रोजन दोनों पाए जाते हैं, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा 15.5% और कैल्शियम की मात्रा 18.5% पाई जाती है। कैल्शियम नाइट्रेट के अंदर जो नाइट्रोजन देखने को मिलती है वह नाइट्रेट फॉर्म में पाई जाती है। जब किसान भाई लोग, आप लोग यूरिया का प्रयोग करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन सामान रूप में पाई जाती है। ये जो नाइट्रोजन का नाइट्रेट फॉर्म होता है वह इमिडिएटली तुरंत काम करना शुरू कर देता है। यदि आपने अभी के अभी नाइट्रेट का प्रयोग अपनी गन्ने की फसल में किया है तो वह तुरंत काम करना शुरू कर देता है। जबकि आपने यूरिया का प्रयोग अपने गन्ने में किया तो उसमें नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में नहीं पाया जाता है, तो वह 2 से 3 दिन वर्क करने का समय लेता है। तो किसान भाइयों, अगर आप लोग गन्ने में कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं तो आपकी फसल हरी भरी बनी रहती है और फसल अच्छी तरह से ग्रोथ करती है और पैदावार भी आपको ज्यादा देखने को मिलती है। किसान साथियों, इसके डोज की बात करें तो आप लोग गन्ने की फसल में डोज की मात्रा अलग अलग माध्यम से दे सकते हैं, जैसे छिड़काव के माध्यम से, ड्रिप के माध्यम से और एक तो प्रॉपर होता है डेसल एप्लीकेशन के माध्यम से। तो आप लोगों को बताएंगे अलग अलग माध्यम में कितना डोज आप लोगों को गन्ने की फसल में देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे छिड़काव माध्यम से। छिड़काव माध्यम में बात करें तो 500 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोल तैयार करके आप लोगों को अच्छी तरह से छिड़काव करना है। अब बात कर लेते हैं ड्रिप के माध्यम से आप लोगों को अपने गन्ने की फसल में कितना डोज देना है। डोज की बात करें तो 2 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपने ड्रिप के माध्यम से 200 से 300 लीटर पानी में घोल बनाकर गन्ने की फसल को देना है। एक माध्यम जो बचा है डेसल एप्लीकेशन, उसमें जो कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा है उसमें कुछ ज्यादा आप लोगों को देनी पड़ती है। ये माध्यम यह होता है कि इसमें आप लोग इसको पवेरा इसी प्रकार से फेंकते रहते हैं ऐसे। तो बात कर रहे थे डेसल एप्लीकेशन की, इसमें आप लोगों को 15 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करना है। ये कुछ माध्यम थे जो हमने आप लोगों को बता दिया। इसमें अलग अलग प्रकार से आप लोगों का डोज रहेगा और यह आप अगर गन्ने की फसल में प्रयोग करते हैं तो आप लोगों को बेहतर रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। रिजल्ट के साथ साथ आपके गन्ने की ग्रोथ अच्छी होती है। ग्रोथ के साथ साथ यह किल्ले, गन्ने के किल्ले निकलने में भी काफी मदद करता है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने आस पड़ोस के किसान भाइयों को शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।